यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बुलंदशहर से इस वक्त, जहां पर डी कंपनी के 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां डी कंपनी के 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार किया है। यूपी में श्यावरपोर के चेयरमैन को मारने की साजिश रचने का आरोप इनके ऊपर लगा है। श्यावरपोर के चेयरमैन वसीम रिजवी को मारने की फिराक में थे, इनके ऊपर साजिश करने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से इनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही तीनों आरोपी नगर भूड़ के रहने वाले हैं, असलाह भी इनके पास से बरामद हुआ है। तो ये बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां डी कंपनी के 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनको गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी श्यावरपोर के चेयरमैन वसीम रिजवी को डी कंपनी की तरफ से धमकी मिली थी, जिसको लेकर FIR भी दर्ज कराई थी और साथ ही मीडिया के सामने भी इसका खुलासा किया था। उनको फोन पर धमकी दी गई थी डी कंपनी की ओर से, और साथ ही जिस तरह से राम मंदिर मुद्दे को लेकर वो बोलते रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनको धमकी मिली, जिसके बाद में अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। डी कंपनी के 3 लोग हैं, और साथ ही वसीम रिजवी श्यावरपोर के चेयरमैन को मारने की साजिश रचने का आरोप इनके ऊपर लगा है, और उनके पास से असलाह भी बरामद हुआ है। तीनों आरोपी नगर भूड़ के रहने वाले हैं।